हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, होप यू पीपल आर डूइंग गुड। आज हम लोग विज़िट करने जा रहे हैं उत्तराखंड की एक वेल नोन जगह है धनौल्टी। तो इट वाज़ अ लेज़ी डे, बहुत लेट सो के उठे थे हम, ऑलरेडी वी आर लेट। ऊपर से वी वर गोइंग टूवर्ड्स दी मसूरी पहले, तो मसूरी के रास्ते में हमें बहुत ट्रैफिक मिला, जैसे तैसे ट्रैफिक को पार करते हुए और आसपास की सराउंडिंग्स को मज़े लेते हुए वी वेंट टू अ मैगी पॉइंट। सो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले तो मैंने सुबह उठ के छत पे जाके एनवायरनमेंट देखा, वेदर देखा कि सब कैसा है। देन वी डिसाइडेड कि हाँ सब ठीक ठाक है, लेट्स गो। स्टिल जब हम लोग रास्ते में थे तो बारिश हो गई एंड वी वर लिटरली शिवरिंग। दिस वॉज द मंथ ऑफ जून, जून में भी हम लोग को वहाँ पर इतनी ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा। सो जनरली वहाँ का टेम्परेचर बहुत कूल रहता है। अब हम मैगी पॉइंट पे आ चुके हैं। इस मैगी पॉइंट पर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटी थी, उसमें सबसे पहली तो जिप लाइनिंग है, फिर साइकिलिंग है, केबल साइकिलिंग है। सिमिलरली हमारे पास बहुत सारी लाइक चेन ऑफ एक्टिविटीज़ थी। इनमें से मेरा पर्सनल फेवरेट जो ये डेथ ऑफ हेल वाला झूला था, ये वाला था। सो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, आपको एक पूरे उससे टाई कर देते हैं अच्छे से और आपको बहुत एक हाइट पे लेके जाते हैं, देन वहाँ से आपको सीधा खाई की तरफ छोड़ देते हैं, विच इज़ वेरी सेफ एंड सेफ्टी गेट्स वगैरह एवरीथिंग दे वर यूजिंग, सो डोंट वरी अबाउट दिस। बस यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है कि वो इस वाले झूले के लिए मिनिमम जो एज है वो 21 प्लस होनी चाहिए, देन ओनली दे विल अलाउ यू टू डू सो। सो बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, लेट्स इन्जॉय द थिंग। जस्ट अभी आपको वो बैक एकदम हाइट पे ले जा चुके हैं, अब यहाँ से वो एकदम आपको ड्रॉप कर देंगे एंड देन यू कैन सी द व्यू। आप यू कैन फील लाइक अ बर्ड, कि आप एक बर्ड की तरह खाई के ऊपर से मूव कर रहे हो एंड दिस इज द मोमेंट, इट बिगिन लाइक दिस। और आप देख सकते हो आगे पूरा खाई है, अगर इफ इन केस वी कैन फ्लाई तो हम लोग जाके मस्त एकदम नीचे जाके आ सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली। सो दिस वॉज द मैगी पॉइंट। आप ऐसी हिल स्टेशन आए हो और आपने चाय और वहाँ की मैगी ना ली तो इट्स ली दैट्स नॉट फेयर, क्योंकि जो भी हिल स्टेशन पे आता है, हिल स्टेशन की मैगी तो वैसे भी बहुत ही ट्रेंड पे रहती है और एवरीवन नोज कि वहाँ पे मैगी का एक अलग ही क्रेज़ होता है, नेक्स्ट लेवल का क्रेज़ होता है। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी धनौल्टी एंड रास्ते में अभी हम लोग ने मसूरी ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है। मसूरी से आगे जाते हुए हम लोग व्यूज़ इन्जॉय कर रहे हैं और आप देख सकते हो कि कितना ब्रेथ टेकिंग, कितना अच्छा मोमेंट है ये। सो दिस वॉज अ स्टॉप कॉल्ड आई लव ऑन द रॉक्स। ये एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाइप का है, यहाँ पे ये लोग कैंपिंग कराते हैं और बाकी की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराते हैं, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। तो मेरा तो आपको ये सजेशन रहेगा कि अगर आप जब भी यहाँ आते हो मस्ट विजिट दिस प्लेस। सो दिस वॉज द मोमेंट जिसके लिए हम लोग ऑल द वे टू देहरादून हम लोग मसूरी पहुँचे थे, मसूरी के बाद हम लोग धनौल्टी पहुँचे थे एंड शी इज़ माई क्यूट लिटिल सिस्टर। यहाँ पर एंट्री फीस जो है दैट इज़ 50 रुपीज़, और ये बहुत ही ब्यूटिफुली मैनेज किया हुआ पार्क है। इसके अंदर हर एक चीज़ अवेलेबल है जो वहाँ की फ्लोरा एंड फौना है, बट एक चीज़ और जो सजेशन रहेगा दैट इज़ कि उनको यहाँ पे एक वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल करानी चाहिए, क्योंकि वो इतने बड़े लेवल पे पार्क है तो थोड़ा सा उनको वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी अवेल करानी चाहिए। यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के लिए है हमारे लिए। नाउ आफ्टर दिस इंटायर ब्यूटिफुल सेशन ऑफ सेल्फ कामिंग टाइप का सेशन था ये मेरे लिए, अभी इसके बाद हम लोग वी आर गोइंग बैक टू होम। रास्ते में मसूरी से दिल्ली जाते हुए ये एक बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज़ दिख रहे थे हमें, तो वी थॉट टू कैप्चर इट एंड हेयर आर सम ऑफ द व्यूज़ बीच के। कहीं पर तो इट वाज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें थी और कहीं पे बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ थी, बट ओवरऑल इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। यहाँ पे हर एक पॉसिबल चीज़ अवेलेबल है। अगर मैं धनौल्टी की बात करूँ तो एलिवेशन जो है इसका वो है 2286 मीटर्स, इसका एलिवेशन है और इसका डिस्ट्रिक्ट जो है वो टिहरी के अंडर आता है। इसका जो डिस्टेंस रहेगा वो मसूरी से 30 किलोमीटर्स और आगे है, तो आप मान सकते हो अभी वहाँ पे हाउ टू रीच एंड एवरीथिंग।
जो बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पे है या आस्था का केंद्र कह लो हमारे लिए, तो सो दैट इज़ सरकुंडा देवी मंदिर, और जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो 1000 प्लस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।